हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हर्ष सोलंकी रिएक्ट्स। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे जो हमारे लिए काफ़ी न्यू थिंग है और रियली हमने पहले नहीं देखी, महेश बाबू का सॉन्ग है। आप लोगों ने तो बहुत उनकी मूवीज़ बचपन में देखी होगी और हम अब देख रहे हैं, तो उसका एक सॉन्ग हम आज देखने वाले हैं, बंगारू कल्ला सॉन्ग, जो कि उनकी एक मूवी, कौन सी मूवी का गाना है ये? है मुरारी मूवी का गाना है। सो हम देखते हैं कैसा होगा सॉन्ग। एंड उसमें बॉलीवुड की एक्ट्रेस है सोनाली बेंद्रे, इनकी जो कि हमने मूवी देखी थी बहुत पहले, हम साथ साथ हैं, मतलब इस टाइप की उनकी बेसिकली हमने बॉलीवुड की मूवीज़ देखी, तो अब उनकी साउथ की मूवी में उनकी एक्टिंग देख लेंगे इसी बहाने, जो कि हमने इंद्र सेन में देखी हुई है, दूसरी मूवी होगी जो हम उनकी साउथ की मूवी देखेंगे, मतलब सॉन्ग देखेंगे। सो बिना किसी देरी के लेट स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3 आप पहले चश्मा लगा लीजिए। यस, कितने यंग लग रहे महेश बाबू इसमें। ऐसे सुन लेते हैं और रियल आती है। आई थिंक पहले इतना नहीं होता था कि एनिमल्स को लेके, कि समझो आप आजकल नहीं यूज कर सकते। गाने के देखो उसमें भी पूरा परिवार ऐसा रहता है, साउथ इंडियन और लोग इकट्ठे हो जाते एक साथ, है ना? चंपा ठीक है। ये क्या है, ये कौन सा डांस स्टेप है? शर्ट कैसा लग रहा है? शर्ट तो अच्छा लग रहा है, कलरफुल। पकड़ो डांस का बहुत ज्यादा है, मतलब साउथ में बहुत फास्ट डांस का पहले से कल्चर। ऐसा लग रहा है कि अफ्रीकन कुछ है। ओ, ऑथेंटिक साउथ इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स। साउथ इंडिया में ज़्यादातर क्या फूलों की रंगोली बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने पूरी फूलों की रंगोली बनाई है। नहीं वैसे तो वाइट कलर की बनती है, ये वाइट कलर की भी है। वाइट कलर की बनती है, कलरफुल नहीं बनती शायद, वाइट और फुल आई थिंक, आप बताना। बिल्ड अप। ये बंगारू कल्ला क्या होता है प्लीज आप लोग बताइए, पर जो भी है अच्छा लग रहा है सुनने में। पूरी फैमिली इकट्ठा होके एक सेलिब्रेशन कर रही होगी, अच्छा लग रहा है। सोनाली बेंद्रे ट्रेडिशनल वेयर में कितनी अच्छी लगती है ना। Thank you.
मराठी कितनी कलरफुल ड्रेसेस पहनी है सब लोगों ने, और सब लोग ऐसे स्क्वायर बना के खड़े हैं, मतलब लाइन बना के खड़े हैं महेश बाबू के लिए। साउथ इंडियन मूवीज पहले की बहुत अच्छी थी, और कलर कितने बढ़िया पहने हैं सब लोगों ने, ग्रीन रेड पिंक येलो। सो गाइस बहुत अच्छा था सॉन्ग, और मुझे बिल्कुल चेन्नई एक्सप्रेस की वाइब्स आ रही। उसमें भी शाहरुख खान आते हैं दीपिका के घर, और उनकी भी ऐसी बड़ी सी फैमिली होती है, रंगोली बनी रहती है, और उनके घर में भी बिल्कुल काफ़ी सारे लोग रहती से घिरे हुए रहते हैं, और बहुत घर में ऐसा लगता है कोई फंक्शन चल रहा है बिल्कुल। हाँ मतलब जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें जो फंक्शंस चलते हैं, तो उसके हिसाब से मतलब ये सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगा, और मतलब ये बहुत अच्छी फीलिंग दे रहा था, क्योंकि जो कलर्स थे मतलब उस टाइम का कैमरा इतना अच्छा नहीं था, पर तो बहुत ज़्यादा अच्छा ये सॉन्ग लगता, और हाँ। अभी भी हमने काफ़ी इसको एंजॉय करा। महेश बाबू बहुत पुराना सॉन्ग है, मतलब इस चैनल पर 2014 को डाला था सॉन्ग, तो सोच सकते हो कितना पुराना होगा, मतलब 2014 को डाला था पर मूवी बहुत पुरानी है। समझ बिल्कुल नहीं आया, बाकी काफी हमने उसको एंजॉय करा, वो बंगारू कलर सिंगर्स इसके कौन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उदित नारायण जिसकी आवाज, मतलब वो तो साउथ इंडियन नहीं, वो तो हिंदी मूवीज में, बाकी उसकी आवाज मुझे उदित नारायण कुमार सानू इन दोनों में से किसी एक की हो सकती है, बाकी वहां पे भी शायद इसमें की इसी वॉइस में कोई गाता हो तो पता नहीं। तो गाइस ओवरऑल सॉन्ग बहुत अच्छा लगा महेश बाबू का। हमने अभी थोड़े दिन पहले कौन सा सॉन्ग देखा था जिसमें वो बिजनेसमैन थे, नूबे नूबे ऐसा कुछ था, महारेशी मूवी का, महारेशी मूवी का था, तो उसकी तरफ इसका हाँ तो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है, मतलब पहले वो इस टाइप के रोल्स भी करते थे और फिर अभी इस टाइप के बहुत अच्छे रोल्स भी करते, तो मुझे पहले की स्टाइल से उनकी ज्यादा अच्छी लगती है, तो आप बता। हाँ अच्छा लगा, मतलब महेश बाबू बहुत अच्छे लगे, पहले के हिसाब से शायद ये मुझे तो पहले के हिसाब से ज्यादा अच्छा लगे। सो गाइस बस ऐसे कोई पुराने को सॉन्ग सजेस्ट करो। हमने जैसे एक वीडियो बनाई थी जिसमें जूनियर एनटीआर फाइट कर रहे थे, मतलब वो रिएक्शन बनाया था, तो वो बहुत अच्छा हमको खुद को देखने में लगा था, तो उसी टाइप से हमको कुछ और कंटेंट बताओ कि हम किस और किस चीज़ पे रिएक्ट कर सकते हैं, तो हम करेंगे उस पे डेफिनेटली रिएक्ट। सो बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।